ये आकाशवाणी है। आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब की याद में अर्पित है, जिनकी पिछले शनिवार को मृत्यु हो गई थी। आगरा अतरौली घराने के सुप्रसिद्ध गायक के निधन से करोड़ों संगीत प्रेमियों का मन शोक में डूब गया था। उस्ताद शराफत हुसैन खान का जन्म सन 1930 में हुआ और 55 वर्ष की उम्र में ही, जबकि वे अपने संगीत जगत की चरम सीमा पर थे, हम सब को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। This is All India Radio. The national program of music tonight is dedicated to the memory of Ustad Sharafat Hussain Khan, one of the most well-known exponents of Agra Atrauli Gharana, who passed away last Saturday, leaving a void in the hearts of millions of music lovers. Born in 1930, Ustad Sharafat Hussain Khan was only 55 years old and at the prime of his life and career. हमारे देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने जब ये दुखद समाचार सुना तो अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए। पंडित दिलीप चंद्र वेदी। अजीज, शराफत हुसैन के देहांत का सुनकर मुझे सचमुच बहुत गहरा दुख हुआ। अता हुसैन खान ने, खान साहब, फैयाज खान साहब ने, विलय हुसैन खान साहब ने, सब ने ये चाहा कि शराफत हुसैन इतने ऊंचे उठें कि मालूम हो कि दूसरे खान साहब हैं। तो एक हद तक वो बहुत कामयाब हुए। जल्दी उनके चले जाने का हमको इतना रंज है कि हम बयान नहीं कर सकते। डॉक्टर सुमति मुटाटकर ने दुख प्रकट करते हुए कहा, हमारे संगीत के जगत में शराफत खान साहब एक ऐसे चमकते सितारे थे कि बीच में ही उनका इस प्रकार से उठ जाना, ये बहुत ही दुखदायक और हमारे संगीत के लिए बड़ा ही एक हानिकारक रहा है। जबकि वे संगीत प्रेमियों को अपनी कला का निखार, विशेष रूप से और रसमयता, इसका आस्वाद कराने लगे थे, इस समय उनका चला जाना बहुत ही ज्यादा अखरता है। श्री हफीज अहमद खान ने शोक प्रकट करते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि उस्ताद शराफत हुसैन खान इस जहान में नहीं रहे, ऐसा सदमा और ऐसा कलक के नाकाबिले बयान है। ये समझिए कि मौसीकी की दुनिया का एक जगमगाता सितारा गुरूब हो गया। और आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक श्री यूनुस हुसैन खान ने अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया, उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। कभी बचपन में उन्हें राइजिंग सन की उपाधि मिली थी। वे आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज खान साहब की तरह संगीत के आकाश पर चमके। संगीत का ये सूरज जिस्मानी तौर पर आज गुरूब हो चुका है, लेकिन उसकी ज्योति उनके गाने और आवाज़ से हमेशा अमर रहेगी। शराफत हुसैन खान बहुत छोटी उम्र से ही मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे थे और उन्होंने देश में अनेक संगीत सभाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। वे सभी लोग अब शराफत खान साहब की कमी महसूस करेंगे। हमारे आकाशवाणी संग्रहालय में उनकी आवाज हमेशा के लिए महफूज रहेगी। शराफत हुसैन खान आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से 30 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार प्रसारण करते रहे। अनेकों बार संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रमों और रेडियो संगीत सम्मेलनों की सभाओं में भाग लेते रहे। इसके अलावा दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी के इस लंबे संपर्क के कारण हमारे संग्रहालय में शराफत हुसैन खान के गायन की बहुत सी रिकॉर्डिंग महफूज हैं। उन्हीं में से हमने आपके लिए कुछ खास रिकॉर्डिंग चुनी है जो उनके याद में हम आज प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले शराफत हुसैन खान की गाई राग खेम कल्याण में विलंबित रचना सुनिए। बोल हैं पीहरवा मायका देहो बता, रचना एक ताल में है। शराफत हुसैन खान, who had been on the concert platform from a very young age
and had performed extensively throughout the country will be sadly missed in the music conferences and festivals. However, his voice still remains with us in the AIR archives. Sharafat Hussain Khan has been performing for more than 3 decades from All India Radio. He had featured several times in the National Program of Music and Radio Sangeet Sammelan concerts, as well as Doordarshan Network. This long association with All India Radio has fortunately yielded considerable number of recordings for the AIR archives, from which we are presenting a selection tonight in his memory. Listen now to a vilambit composition in the raag Khem Kalyan, sung by Sharafat Hussain Khan. This composition is set to Ektaal. Yeah.
Yeah.
खेम कल्याण के बाद शराफत हुसैन खां का गाया राग काफी कान्हरा प्रस्तुत है। रचना धीमा तीन ताल में है और बोल है सुख कर आई। After Raag Khem Kalyan, we present the Raag Kafi Kanhada, rendered by Ustad Sharafat Hussain Khan. The composition is set to Dhima Teen Taal. Oh.
Yeah.
Yeah, Mukhbana.
Yeah.
संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप शराफत हुसैन खां की याद में एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप प्रस्तुत है राग नट कामोद में एक द्रुत रचना जो मध्य लय तीन ताल में है और बोल हैं नेवर बाजे। Thank you.
Bye.
Ah
Yeah, man, you know, man, you know, man, you know.
इस ठुमरी मिश्र कमाज के साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम की ये सभा अब संपन्न होती है। इसमें आपने उस्ताद शराफत हुसैन खां की याद में एक विशेष कार्यक्रम सुना। ये हमारे आकाशवाणी के संग्रहालय की रिकॉर्डिंग पर आधारित था।